आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावै खसमै का महल कदे ना पावै। मनमुख बंदा जेड़ा झूठ ही झूठ हर वक्त बोलदा झूठ ही कमाउंदा झूठी माया झूठा कपड़ा कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार कमाउंदा। सो मनमुख पुरश झूठे पदार्थां दे पाउण वास्ते झूठ ही कमाउंदा झूठ ही बोलदा, इसलिए उह खसमै तो भाव मालक दे सरूप नूं कदे प्राप्त नहीं कर सकदा। जिहदी जिहदे पैर ही झूठ वल चल पैण उह सच नूं कित्थे प्राप्त कर सकदा। दूजै लगी भरम भुलावै ममता बाधा आवै जावै। उहदी बुद्धि दवैश भाव च लगी रहिंदी हमेशा, उह भरम विच आप भुलदा है होरनां नूं भरम विच भुलाउंदा है, ममता विच बज्जा होया जम के आउंदा ते जम के फिर मर के फिर चलिया जांदा। दोहागणी कामन देख सीगार, जिवें छुट्टड़ इस्त्री का शिंगार किया होया बेअर्थी देखीदा, तिवें दोहागणी छुट्टड़ जीव रूपी औरतों का शकाम करना जिहड़ा कर्म करना ना शकाम कर्मां रूपी शिंगार व्यर्थी देखना करो, एवं जचिया फचिया फिरदा पर महाराज नूं भाउंदा नहीं है। पुत्तर कलत धन माया चित लाए झूठ मोह पाखंड विकार रहाओ। पुत्र कलत हुंदा इस्त्री धन माया झूठ मोह पाखंड अते विकारां विच ही चित लगाउंदी आ जीव रूप इस्त्री। विश्राम दे के कहिंदे ने सदा सुहागण जो प्रभ पावै गुरसबदी सिंगार बनावै। जो वाहिगुरु नूं भाउंदी है वह इस्त्री सदा ही सुहागण है, वह गुर उपदेश रूप शिंगार नूं बनाउंदी है, वह गुर शब्दी भाव गुर उपदेश वाली इस्त्री शुभ गुणा रूपी शिंगार नूं बनाउंदी है। सेज सुखाली अन दिन हर रावै मिल प्रीतम सदा सुख पावै। सरदा विशिष्ट अंतकरण रूप सुखदायक सेजा उत्ते रात दिन हरिपति दे आनंद नूं रावै तो भाग माणदी है भोगदी है अते प्रीतम वाहिगुरु नाल मिलके नित सुख पाउंदी है। नित सुख सदा रहण वाला आत्मक आनंद प्राप्त करती है। सासो हागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखै सदा अवतार। वह स्त्री सच्ची सुहागण है जिसका सच्चे वाहिगुरु नाल प्यार है अते जो अपने पति नूं सदा हिरदे च धार के रखती है। नेड़ै वेखै सदा हदूर मेरा प्रभ सर्ब रहिआ भरपूर। सो नेड़े जो वाहिगुरु है उहनूं सदा हाजरा हजूर वेखदी है, फिर इउं निश्चय करदी है कि मेरा वाहिगुरु स्वामी सारिआं विच पूर्ण हो रिहा व्यापक हो रिहा है। सो इन्हां चार गुणा सहित जो इस्त्री है उह सच्ची सुहागण है। किहड़े किहड़े? जो नेड़े जो वाहिगुरु है उहनूं सदा इक तां हाजर हजूर वेखदी है, फिर यह निश्चय करती है मेरा वाहिगुरु स्वामी व्यापक है। इस तरह उन्होंने अंदर सो सच्ची सुहागण बन जाती है जीव रूप स्त्री। आगै जात रूप न जाए तेहा हो वै जे कर्म कमाए। हुण अगे परलोक च ना जाति ने जाना ना सुंदर रूप ने जाना, इस लोक विच इहो जे कर्म कमाउंदा है उहो जिहा फल अगे परलोक च प्राप्त कर लैंदा। जिहे जिहे जे कर्म करी जांदा उहो उहो जे अगे जाके फल मिल जांदे ने। महाराज ताइयों कहिंदे ने इह सारे ठग ने, रूप जात जोबन माल सब कुछ ठग है। सबदे ऊचो ऊचा होए नानक साच समावै सोए। सारिया साधना तो उच्चा साधन जो गुरु का उपदेश है, इस करके जीव उच्चा हुंदा है अते उह सच स्वरूप विच समा जांदा है। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुभाए गुर कै भै साचै साच समाए। हुण जिहड़े जीव भगती विच रंगे रब दे प्यारे उहदा सहज सुभाए हुंदा शांत सुभा हो जांदा, सहज अवस्था आ जांदी उहदे च। सच्चे गुरां दा भै धारण करके सच्चे अकाल पुरख विच उह अभेद हो जांदा है। बिन गुर पूरे भगत ना होए मनमुख रुन्ने अपनी पत खोए। पूरियां गुरां तों बिना भगती प्राप्ति नहीं हुंदी, मनुख नूं बड़ा जोर लाउंदा भगती तो बिना मनमुख लोग पुरश जिहड़े ने उह अपनी इज्जत गवा के रोंदे ही रहिंदे ने। मेरे मन हर जप सदा ते आए, ये मेरे मन तू हरी नाम नूं जपना कर अते हमेशा वो नाम नूं अपने मन करके अंदर ध्यौना कर। हमेशा वाहिगुरु नूं हिरदे च याद रख, हमेशा उहनूं मन करके ध्यौना कर, जबान नाल ध्यौना कर, तां फिर की होवेगा। सदा आनंद होवै दिन राती जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ।
कहते रात दिन तेन फिर सदा ही आनंद प्राप्त होगा और मन में जो इच्छा करेगा उ फल प्राप्त कर लवेगा। विश्राम दे के फरमाते ने गुरपुरे ते पूरा पाए हिरदय शब्द सच नाम वसाए। पूर्ण गुरां दे जिहड़ा उपदेश द्वारा हिरदे च सच नाम नूं वसावे ना शब्द तो पावे थे उपदेश है तां पूरा परमात्मा प्राप्त हुंदा। अंतर निर्मल अमृत सर नहाए सदा सूचे साच समाए। सतसंगत सरोवर दे नाम रूप अमृत च इशनान करे ना तां अंतर हुंदा अंतःकरण शुद्ध हुंदा ओ फिर सदा लई सूचे तो पाप पवित्र होके सच्चे वाहिगुरु च भेद हो जांदा। हर प्रभ वेखै सदा हजूर गुर प्रसाद रहिया भरपूर। ओ पुरश हरि प्रभु नू सदा अपने हजूर देखदा अते गुरां दी कृपा द्वारा ओनू सारे किते पूर्ण हो रहा अपने मन विच निश्चा कर लैंदा वाहिगुरु सर्व व्यापक है। जहां जाओ तह वेखा सोहे गुरबिन दाता अवर न कोए। हुण जिथे भी जांदा उत्थे सच्चे नहीं देखदा कहने जह जह जाओ तहां तहां तेरी सेवा तुमसे ठाकर और न देवा। पर कहने यह जे ज्ञान दा दाता गुरां तो बिना दूजा होर कोई नहीं है। महाराज फरमाउंदे ने जिवें गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार। संसार समुद्र विच गुरु साहब जी पूरा भंडारा ने सब गुण किसी ही ना है हर पूर भंडारिया। गुरु सागर वांग किवें ने गंभीर ने सो इसे प्रकार जिन्हां विच अपार गुण वैराग ज्ञान रूपी उत्तम रतन जवाहर ने फिर उन्हां दा अंतःकरण रूप भंडारा गुरु साहब दा भरिया पिया लैण वाला नहीं है कोई। लैण वाले शरदा नाल लैण आ जाण तां सतगुरु जी भंडारे भर दिंदे ने। गुरप्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार। हुण नाम दात ते देण वाले गुरु साहब जी जिन्हों कृपा करके नामदान देंदे ने उन्हों बख्शनहार वाहिगुरु भी बख्श लैंदा। सतगुरु जी पहला प्रवान कर लैण सानू अकाल पुरख जी फिर सानू खोटियां नू जदों खरे बणदे देख लैंदे ने गुरां द्वारा फिर सानू अपने खजाने सचखंड च पा लैंदे ने। आसा महला तीजा तीसरे पातशाह महाराज आसा राग च अगे फरमाउंदे ने गुरसायर सतगुर सच सोए पूरा भाग गुरसेवा होए। सच की सोभा करन वाला सतगुरु गुरसायर तो भाव वड्डा समुंदर मन्या है। सोए तो भाव ओ जो सच्चा सतगुर सो तिना समय विच नास तो रहत जो चेतन परमात्मा है। गुरु उसके सायर तो भाव कवि हैं उस गुरु की सेवा पूरे भागा नाल प्राप्त हुंदी है। सो अगे महाराज जी 364 अंग ते बख्शिश करते ने सो बूझै जिस आप बुझाए गुरप्रसादी सेव कराए। इस भेद नूं उही समझदा जिन्हों आप सतगुर देव जी समझाउण जिस ते कृपा करते ने उस पासों गुरु अपनी सेवा आप कराउंदे ने। ज्ञान रतन सब सोझी होए जिस दे पास रतन रूप ज्ञान है उन्हों सारी समझ हुंदी है उहदे उत्ते कृपा हुंदी है 14 विद्या उहदे कोल हाजिर हुंदियां ने। गुरप्रसाद अज्ञान विनाशै आंदन जागै वेखै सच सोए रहाओ। गुरां दी कृपा नाल जो रात दिन ज्ञान जागृत जागदा उसका अज्ञान रूप अंधेरा नाश हो जाता है। अज्ञान दे नाश होण करके उस फिर वह जिहड़ा जीव है वह उस सच्चे नूं वेखदा ही रहिंदा हर वक्त चारे पासे प्रकाश ही प्रकाश उहनूं नजर आउण लग पैंदा। मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुरते सोझी पाए। हुण गुरु साहब दे शब्द द्वारा हौली हौली नाम जपदिया उपदेश सुनदिया संबंधियों के मोह नूं अते धन दे हंकार नूं साड़ ना करे तां कहिंदे पूरिया गुरां तो फिर इह जीव नूं ग्यात प्राप्त हो जांदी ज्ञान मिल जांदा असलीयत ते आ के खड़ जांदा। फिर अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवण जाण रहै थिर नाम समाणे। हुण गुर शब्द द्वारा हिरदे अंदर महल हुंदा स्वरूप अपना मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण स्वरूप नूं पछाणे। थिर रूप नामी विच समाउण करके जमणा मरना फिर वह जीव दा रही जांदा। जमण मरना है संसार
मनमुख अचेत माया मोह गुबार। संसार च जमना मरना प्रबल ही हो रहा बहुत ज्यादा। संसार जमण मरण रूप है। मनमुख पुरुष माया के मोह रूपी गाढ़े अनेरे करके अज्ञात ही हो रहा है मनो। पर निंदा बहु कूड कमावै, विस्ता का कीड़ा विस्ता माहे समावै। पराई निंदा अते बहुते झूठ नू कमाउंदा हर वक्त। विस्ता हुंदा गंदगी, यह नरक का ही कीड़ा होकर उस नरक विच ही समाउंदा। गंदगी का कीड़ा होकर गंद विच ही पिया रहिंदा। सत संगत मिल सब सोझी पाए, गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाए। जो सतसंगत च मिलता है वह सच झूठ की सब ज्ञात प्राप्त कर लैंदा। उन्हें पता लग जाता सच की है ते झूठ की है। गुरां दा उपदेश ऐसा है जो हरी की भगती पक्की करवाण दा। मन दे अंदर जीव भुलदा नहीं नाम नू। सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी। भाणा मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावै सोए। जो भाणा मिठा करके मनदा है उन्हू सदा ही सुख हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने उह सच्चे परमात्मा च जो समावै तो भाव समा जाणा, जिवें पाणी पाणी विच लीन हो जांदा है, इउं जीव भेद हो जांदा परमात्मा विच। आसा महला तीजा पंच पदे, पंज पौड़ियां वाले शब्द तीसरे पातशाह आसा राग च बख्शिश करदे ने। पंच पदे दे थले छोटा जिहा दो लिखिया होया जिहड़ा, इस दा मतलब पंच पदियां वाले दो शब्द आउणगे। शब्द मरै तिस सदा आनंद, सतगुर भेटे गुर गोबिंद। जिहड़ा गुर शब्द करके जीवत भाव तों मर जांदा है उहनूं नित आनंद ही रहिंदा, क्योंकि उहनूं सतगुरां द्वारा जिहड़ा गुर तों भाव पूजनीक सारिआं तों गुर जो वड्डा गोबिंद परमेश्वर मिल पैंदा। ना फिर मरै ना आवै जाए, पूरे गुर ते साच समाए। वह फिर ना जम के आउंदा ना ही मर के परलोक विच जांदा। पूरियां गुरां दी कृपा नाल उह सच सरूप विच समा जांदा। जिन कौ नाम लिखिया तुर लेख, जिन्हां दे मत्थे ते तुरों ही नाम दी प्राप्ति दा लेख लिखिया होया। ते आंदिन नाम सदा ते आवहै, गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ। वह जीव पूरियां गुरां तों विशेष भगती प्रेमा भगती धारण करके हरी नाम नूं रात दिन ही सदा ही ध्यांदे रहिंदे ने। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने। जिन कहो हर प्रभ लय मिलाए, तिन की गहन गत कही न जाए। जिन्हां नूं हरी प्रभु वाहिगुरु अपने नाल मिला लैंदा उन्हां दी गहन गत हुंदी गोहज रीति। गहन गत तों भाव गोहज रीति कुछ कही नहीं जा सकती। पूरा सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। पर कहिंदे इह वडियाई पूरे सतगुरां ने दित्ती है, जो वाहिगुरु नाम जपण करके उत्तम पदवी विच समाई हुंदी जिन्हां दी। इह वडियाई भी सतगुरु ही बख्शिश करन तां करन। जो किश करे सो आपे आपे, एक घड़ी मह थापे ओ थापे। वो परमात्मा वाहिगुरु जो कुछ करदा है वह अपने आप ही करदा है। एक घड़ी विच ही थाप हुंदा उत्पत्ति पालना, अते उथाप हुंदा समाप्ति भी कर दिंदा। कह कह कहना आख सुनाए, जे सौ काले थाए ना पाए। ए जीव कहने वाला होके कहे हुए कहना तो भाव वख्याणा नूं कह के आम जनता नूं सुणाउंदा रहिंदा। इस तरह दियां जेकर सैकड़े कमाईयां भी करे तां भी परमेश्वर थां विखे नहीं इहनूं पाउंदा। भाव इहनूं किसे अर्थ नहीं, इहदियां कीतियां होईयां सारियां गल्लां बेअर्थ ही है। जिन कह पोतै पुन तिन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। पहले जन्म दे कीते हुए पुन जिन्हां दे पोतै तो पाप पल्ले च ने खजाने च ने उन्हां नूं परमेश्वर गुरां नाल मिलाउंदा ते गुरु उन्हां नूं सच्ची उपदेश बाणी सुनाउंदे ने। फिर इह सतगुरु देख लैंदे ने पिछले जन्म च इहने बड़े पुन कीते हुए ने, तां सतगुरु इहनूं सतसंगत रूप खजाने च मिलाउंदा। जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचा सहज समाए। हुण जिस हिरदे च गुरां दा उपदेश वसदा उस हिरदे च दुख चलिया जांदा, क्योंकि ज्ञान रतन करके उह सहजे सच्चे विच ही भेद हो जांदा जीव। नावै जेवड़ होर तन नाहीं कोए, जिसनों बख्शे साचा सोए। महाराज जी कहिंदे नाम जिड्डा वड्डा होर कोई धन नहीं है, उह सच्चा वाहिगुरु जिहनूं बख्शदा उहनूं ही नाम धन मिलदा। पूरा शब्द मन वसाए,
नानक नाम रते सुख पाए। ओही पूरियां गुरां दे शब्द द्वारे मन विच नाम नूं वसाउंदे ने, सतगुरु फरमाउंदे ने ओही नामी दे नां च तदाकार होए सुख पाउंदे हन। आसा महला तीजा निरत करे बहु वाजे बजाए। आसा राग तीसरे पातशाह फरमाउंदे ने ये जिहड़े संसारी जीव ने बहुत सारे वाजे बजा के नाच गाने करदे ने, बड़ा नचदे टपदे ने, एहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाए। ए मन ज्ञान विराग तो हीन होने करके अन्ना ही है, निश्चय विचार तो रहत होने करके बोला है। असी किनू आके सुनाउणा करिए भाई तू यह पुठे काम ना कर। अंतर लोभ भरम अनलवाओ दीवा बलै न सोझी पाए। हिरदे अंदर लोभ ते भरम करके अनलवाओ हुंदा शुदाई हो रहा है। हिरदे अंदर पदार्थां दा लोभ भरम तृष्णा रूपी जिहड़ी अनल हुंदी है अग्नि, तृष्णा रूपी अग्नि ते वाओ हुंदी वासना बड़ियां प्रबल हो रही मन दे अंदर, तो विवेक रूप दीवा बलदा नहीं इहदे अंदर, ना ही आत्म बोध रूपी सोज पाउंदा गुरां तों इह प्राप्त नहीं कर सकदा, इहनू सोझ ही नहीं हो सकदी। महाराज कहिंदे जे मन्नण करे तां कृपा हुंदी, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। गुरमुख भगत घट चानण होए आप पछाण मिलै प्रभ सोए रहाओ। भगती करन करके गुरमुखां दे घट विच चानण हुंदा हिरदे च, घट कहीए हिरदे नूं, अपने सरूप नूं पछाण के उस वाहिगुरु नाल मिलदे हन। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने गुरमुख निरत हर लागै पाओ पूरे ताल विचों आप गवाए। गुरमुखां दी निरतकारी यही है, कहने पहला मना कीता निरत करे बहु वाजे वजाए, एहो मन अंधा बोला है कि साख सुनाए। हुण उस पंक्ति दा जवाब दिंदे ने, संसारी जी बहुत सारे वाजे वजा के एवें झूठे नचणे नचदे ने, नचदे टपदे आ, कहिंदे गुरमुख भी नचदे कि नहीं। कहिंदे गुरमुखां दी निरतकारी एहो है जिहड़ा हरी च प्रेम लग्या उन्हां दा, हिरदे च जिहड़ा उन्हां ने आपा भाव हंकार गवा दित्ता है, यही उन्होंने ताल पूरे ने गुरमुखां ने। मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। मेरा प्रभु सच्चा जिस गुरमुख नूं अपना सेवक जानदा ओ गुरमुख गुरां दे शब्द करके हिरदे अंदर ब्रह्म नूं पछाण लैंदा। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगती अंदर प्रीति करते ने, उन्होंने भगती हुई चंगी लगती है, जिमें इंसान नू माया चंगी लगती क्योंकि उन्होंने माया की सोझी हो जाती है कि पैसों नाल सब कुछ बन जाता, इंसान पैसों करके खरीद लेंदा, पर गुरमुख नू पता कि पैसे तो भी सारे सुखों तो उपर भगती है, इस करके भगती नू ही प्रीति ज्यादा करते हैं। कहने जे भगती होगी तो सब कुछ आजूगा, पर जे माया होगी फिर सब कुछ नहीं आ सकता, इस करके भगती च प्रीति करते हैं। इस करके वाहिगुरु उन्हां भगतां नाल फिर प्यार करदा कि यह मेरी भगती दे धन नूं प्यार करदे ने, मेरे है। गुरमुख प्यारे दी भगती अंदर प्रीति करदे आ अते सहजे गुर शब्द दा विचार करदे आ। गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए। असली गुरमुख उही है जो सच्ची भगती अंदर जुगत हुंदे जुड़े हुए ने, पाखंड वाली भगती अते निरतकारी करन नाल दुख ही दुख हुंदा। निरतकाली निरतकारी वाली भगती करने वाले पखंडी नूं जमपुरी विच जाके दुख प्राप्त हुंदा। 365 अंग ते फरमाउंदे ने एहा भगत जन जीवत मरै गुरप्रसादी भव जल तरै। जीव की असली भगती यही है जिहड़ा जीवत भा तो मर जाना है, गुरां की कृपा नाल संसार सागर तो तर जाता है। तीजे पातशाह ने भगती का निर्णय श्री राज कीता हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार। ਜਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ 365 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹਾ ਭਗਤ ਜਨ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾ ਭਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਭਗਤ ਥਾਏ ਪਾਏ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪ ਮਨ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਨਿਹਚਲ ਭਗਤ ਹਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਏ।
हरी की निचल भगती फिर चित लगता है। पहला वाहिगुरु कृपा करे, सतगुरु नाल मिलावे, सतगुरु कृपा करन भगती करवा के अकाल पुरख नाल मिला देन। भगत रते तिन सची सोए, नानक नाम रते सुख होए। कहने यह जी भगती जेड़े लीन होए ने उन्हां दी सची सोए शोभा हुंदी है। महाराज जी कथन करदे कि नामी दे नाम विच लीन होण नाल सुख की प्राप्ति हुंदी जीव नूं। आसा कर अठवा काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर कै भाणै सतगुर मिलै सच सोझी होई। आसा राग दे अठवें घर च गाउण दा हुक्म करदे काफी छंद दा नाम है। महला तीजा तीसरे पातशाह महाराज एक ओंकार, ओंकार जो केवल इको एक है सतगुरु की प्रसाद कृपा द्वारा जिन्हों की प्राप्ति होंगी है। हर कै भाणै सतगुरु मिलै सच सोझी होई। जिस वेले हरी दे हुक्म नाल सतगुरु मिलते ने जीव नू, उस वेले सच्चे की प्राप्ति की जिहड़ी सोझी तो भाव ज्ञात होंगी है, परोख ज्ञान हो जाता। कथा सुन के परोख ज्ञान होंदा, गुप्त ज्ञान। सो इस प्रकार फिर प्रगट ज्ञान बाद विच हो जाता। महाराज कहते ने गुरप्रसादी मन वसै हर बूझै सोई। जदों गुरां दी कृपा नाल नाम मन दे विच वसदा है, फिर उहनू हरी नूं ओ अकाल पुरख की कृपा नाल जीव सतगुरु नूं मिलके नाम नूं हिरदे च वसा के फिर हरी नूं समझ लैंदा कि हरी कौन है। उदों जीव हसदा है, रंग हसदा है। क्यों? कहिंदा उह तां मैं ही सीगा। सोई फिर कै तू भया जा कौ कहता और। कहिंदे उह तां मैं कहिंदा सी रब होर है, मैं होर हाँ। ये जिहड़ा भेद भरम सी, करतत्त भरम सी, पुण संघ भरम विकार, ब्रह्म इतर जग सत है पांचों भरम विकार, ये विकार जाके पांच भरम उदों कट्टे गए जदों महाराज की कृपा नाल अंदर सुझ लैंदा है, गल बुझ लैंदा है। मैं सहदाता एक है अवर नाही कोई। एक दाता जो वाहिगुरु मेरा उही पति मालक है, उस तो बगैर होर कोई नहीं। इहनूं समझ पै जांदी है, कहिंदे उस वर्गा होर दूजा कोई नहीं है। गुर किरपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाओ। जदों गुरां दी किरपा नाल मन च वसदा है तां फिर इहनूं नित रहण वाला हमेशा वास्ते सुख प्राप्त हो जांदा है। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने, इस युग में निरभउ हर नाम है पाईए गुर विचार। ये कलयुग च निरभउ करन वाला एक वाहिगुरु नाम ही है। गुरां द्वारे शुभ विचार करन नाल नाम प्राप्त हुंदा है। बिन नावै जम कै वस है मनमुख अंध गवार। नाम तो बिना मनमुख जिहड़ा अन्ना ज्ञानी गवार झला मूर्ख जीव है, ये बार बार जमा दे वस ही पैंदा रहिंदा। हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई। जिहड़ा जीव हरी दे भाणे नूं मिठा करके मनदा है अते गुरां दी सेवा करदा है, उह सच्चे परमात्मा नूं समझ लैंदा कि परमात्मा की है। हर कै भाणै सालाही है भाणै मन्निया सुख होई। हरी दे भाणे अंदर ही उहदी शलाघा करिए, भाणा मनण विच ही कहिंदे सुख प्राप्त हुंदा। हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई। हरी दे भाणे अंदर ही तू कहिंदे जन्म पदार्थ प्राप्त कीता, उहदे भाणै वाहिगुरु नूं पाया तां ही मनुखा जन्म मिलिया, इह वी तां उहदा भाणा ही है इक। कहिंदे अगे तू आपे समझ लै कि उहदे भाणे तैनूं की मिलिया। उहनूं पाया तां तू जम्मिया, तां तेरा मनुखा जन्म होया। भाणे अंदर ही बुद्धि उत्तम हुंदी है, उहनूं पाया तां ही बुद्धि उत्तम कर दिंदा। जे नहीं पाउंदा फिर बुद्धि उत्तम भी नहीं करदा, जिवें छज्जू झौर दी बुद्धि उत्तम करदी अठवें पातशाह ने। नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई। महाराज कथन करदे भाई गुरमुखा तू नाम नूं सलाहुणा कर। सो जिस नाम करके गुरमुखा नूं मुक्ति प्राप्त होई है, सो इस प्रकार बख्शिश कीती। महाराज 4, 39, 13, 52 लिखे आगे चौका इस वास्ते लाया कि शब्द दीयां 4 पौड़ियां ने। इथे आके 39 शब्द धन गुरु नानक देव जी दे हन और 13 शब्द गुरु अमरदास महाराज दे पूरे होए ने। कुल जोड़ इन्हां शब्दां दा 52 बनिया 365 अंग तक। आसा महला चौथा कर दूजा
धन गुरु रामदास साहब महाराज कृपा कर रहे ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहने दूसरे घर सुरतार च गाउण दा हुक्म है। ओंकार वाहिगुरु केवल एको एक है, सतगुरु की प्रसाद कृपा द्वारा ही उहदी प्राप्ति हुंदी है। परमेश्वर के सन्मुख चौथे पातशाह बेनती करते ने, रह रास दा ही शब्द है पर दोबारा उच्चारण करके इत्थे थोड़ा फर्क रखिया, घर दूजा भी लाया ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाया ज्यादा। तू करता सचियार मेंडा साई, ए वाहिगुरु तू सचियार करता है ते मेंडा साई तो भाव मेरा मालिक है। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। जो गल आप जी नूं पाउंदी है उही गल थीसी तो भाव हुंदी है, जो आप दिंदे हो उही असी प्राप्त करदे हां। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने, सब तेरी तू सब नीति आया, सारी सृष्टि आप जी दी है, सारे ने आप नूं ही ध्यौना कीता है। जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया, जिस ते आप कृपा करदे हो उहने ही रतन रूप मोलक नाम नूं प्राप्त कीता। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, गुरमुखा ने गुरां द्वारे आप जी नूं लभ लिया अते मनमुखा ने मनमुखता करके गवा लिया। गुरमुखा ने मनुख जन्म सफला कर लिया, लादा तो पाप सफला कीता, मनमुखा ने मनुखा जन्म निष्फल गवा ही दिता। तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तुसी मनमुखा नूं अपने नाल विछोड़ दिता ते गुरमुखा नूं अपने नाल संगत मिला लिया। तुसी आप ही गुरमुखा नूं पदार्थां नाल विछोड़ दिंदे हो अते मनमुखा नूं पदार्थां नाल भर के जोड़ के फिर अपने नाल तोड़ दिंदे हो, पदार्थां विच ही फस जांदे ने। गुरमुखा नूं पदार्थ घट दिंदे हो अपने नाल ज्यादा जोड़दे हो। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। ए वाहिगुरु तू दरिया रूप है, सारे जीव तेरे विच लहरां रूप ने, तरंग रूप ने, आप जी तो बिना दूजा होर कोई नहीं है जी संसार दे विच। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मेल विछुड़िया संजोगी मेल। सूखम स्थूल जी जंत सारा आप जी दा खेल बनाया होया। जिस वेले विजोगी कर्म आउंदा है तां मिले हुए पदार्थ संबंधी विछड़ जांदे ने, जदों संजोगी कर्म आउंदा तां विछड़े हुए पदार्थां दा संबंधियां दा मेल हो जांदा है। जां कहण तों भाव कहिंदे जो गुरां दा विजोगी हुंदा उह परमेश्वर नाल मिलण तों विछड़ जांदा, जिहड़ा गुरां नूं छड़ दिंदा उह फिर वाहिगुरू नूं नहीं मिल सकदा। जो गुरां दा संजोगी हो जांदा, संगत दा संजोगी हो जांदा है, उह विछड़िया होया भी परमेश्वर नाल मिल जांदा है। से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। जिस नौ तू जान आए, सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाण। हे वाहिगुरु जिन्हों तू अपना स्वरूप जनाउंदा उही पुरश तेनू जान सकदा अते उही पुरश हे वाहिगुरु आपदे शुभ गुणा नू सदा ही मूंह नाल कहण लग जांदा। जिन हर सेवया तेरे सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। हे वाहिगुरु जिन्हां ने आप जी नूं सेवया, आप दी सेवा कीती है नाम राही, सो जबान दे राही, हथी सेवा, प्रतख सेवा, उन्हें ही सुख प्राप्त कीता है। हे वाहिगुरु वो सुते नाम करके, नाम जप के आप जी विदे विच अभेद ही हो गए, लीन हो गए। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू आप ही सारे का करता है, आप जी का किया हुआ सारा कुछ हो रहा, आप जी तो बिना दूजा होर कोई नहीं है जी। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। हे हरि तू आप ही जीवन नू कर कर तो भाव उत्पन्न करके फिर वेखदा अते सारिया तो करतबा नू जानदा कि केड़ा की करतब करदा, की तो केड़े करतब कराउणे ने, कथन करदे ने महाराज सच्चे पातशाह। हे हरि तू गुरमुखा नू प्रगट हुंदा है, मनमुखा तो हमेशा तू परे ही रहना। इउं सतगुरु महाराज ने यह 365 अंग दे अखीर ते जाके 53 शब्द बख्शिश कीते ने। सो 366 अंग ते अगे फिर श्रवण करांगे, सतगुरु बख्शिश करनगे। धन गुरु रामदास साहिब महाराज जी कृपा कीती, पावन उपदेश चल रही लड़ी वार कथा बख्शिश कीती गुरु साहब जी ने। सो महाराज कृपा करन, कमा के सुख प्राप्त करिए।
वाहे गुरु 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 वाहे